आज हमारा पार्ट टू वीडियो होने वाला है जिसमें हमने सीरीज स्टार्ट किया था चैप्टर वाइज डेरिवेशन लिस्ट का तो पार्ट वन वीडियो तो ऑलरेडी हमारा आ चुका है जिसमें चैप्टर वन के सारे डेरिवेशन मैंने एक वीडियो में कंक्लूड करा था आज चैप्टर टू के सारे इंपॉर्टेंट डेरीवेशन मैं इस वीडियो में कंक्लूड करूँगा तो स्टार्ट करते हैं इसमें टोटल जो डेरीवेशन मैं करने वाला हूँ वो पहले बता देता हूँ पहला तो होगा हमारा जो कि बोर्ड पर लिखा भी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी आवर सेकेंड डेरिवेशन थर्ड डेरवेशन होगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एंड द फोर्थ वन इज थ्री डेरिवेशन इन कैपेसिटर कैपेसिटर के अंदर तीन डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं जिसमें प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एनर्जी इन अ कैपेसिटर और इन अ कैपेसिटर तो ये सिक्वेंस होने वाला है आज के वीडियो का तो पिछला वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और इन सब चैप्टर्स का जो भी चैप्टर है इनका डिटेल थ्योरी वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है तो पूरा डिटेल देखने के लिए आप वहाँ से देख सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम लोग तो देखिए तो सबसे पहला जो है हमारा सबसे पहला जो हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकालने वाले हैं ये डेरिवेशन है तो उसके लिए डेफिनेशन हमारा है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम टू पॉइंट पी अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क डन तो इसके अकॉर्डिंग अगर फिगर बनाए तो देखिए फिगर ऐसा होगा कि एक चार्ज क्यू होगा एक पॉइंट पी है जो कि कुछ आर डिस्टेंस पे है ओके okay? कुछ आठ डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी है अब देखो आठ डिस्टेंस पे पॉइंट पी है और इन्फिनीटी पे एक चार्ज क्यू पड़ा हुआ है इन्फिटी पे जो कि कैसा चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन शॉर्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब हो गया कि प्लस वन कोलम का एक चार्ज इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है तो इस चार्ज को अब देखो ये प्लस वाला इस चार्ज को क्या करेगा रिपेल करेगा तो रिपल्सन के अगेंस्ट जब हम इस चार्ज को पकड़ के इसके नजदीक लाते हैं पी पॉइंट पे तो वो जो, जो वर्क वर्कटन होता है उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं तो सपोज मान लेते हैं कि कुछ एक डिस्टेंस पे जब ये पॉइंट चार्ज प्लस वन था प्लस वन जब कुछ एक डिस्टेंस पे था तो इसने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया dx इस डायरेक्शन में क्योंकि हम इधर मूव करा रहे हैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx के तो अब इसी को हमें ना क्या करना है इंटीग्रेट कर देना होगा इन्फिनी से लेके आर तक तो देखिए सब अब इसमें क्या लिखेंगे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है अब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू होगा एफ डी एस थीटा ये होता है वर्क इक्वल टू एफ एस थीटा एफ डी एस कॉस् थीटा तो यहां डी डब्ल्यू की जगह तो डी डब्ल्यू ही रखते हैं एफ की जगह क्या रखेंगे तो एफ को तो चलो बाद में वैल्यू पुट करेंगे एफ को एफ रहने देते हैं डी एस इज्वाट डिस्प्लेसमेंट हमने डीएक्स माना है तो चलो डीएक्स लिख लें और थीटा जरा इस पॉइंट पे देखो ये प्लस चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा है मतलब फोर्स इधर इधर लग रहा इधर रहा है है और डिस्प्लेसमेंट हो तो फोर्स और डिसप्लेसमेंट की कितना है एक सौ अस्सी डिग्री तो थीटा यहाँ क्या है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल तो यहां पर क्या लिखेंगे कॉस एक डिग्री कॉस एक सौ का वैल्यू कितना होता है माइनस वन तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डीएक्स ओके डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स होगा अब इसे क्या करना होगा हमें इंटीग्रेट करना होगा और चूंकि टोटल वर्क निकालना है है ना इन्फिनिटी से यहां तक लाने के लिए टोटल वर्क निकालना है तो लिमिट क्या लोगे इन्फिनिटी से लेके पॉइंट पी पे सेट करना है यानी पॉइंट पी कितना डिस्टेंस पे है आठ डिस्टेंस पे तो लिमिट हम लोग ले लेंगे इन्फिनिटी टू आर अब जरा एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं एकौडिंग, एकौडिंग, एकौड तो के अकॉर्डिंग एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा के Q1, Q2. अब देखो Q1 तो Q है Q2 1 है तो लिखने का कोई मतलब है नहीं अपॉन आर स्क्वायर आर स्क्वायर की जगह क्या रखोगे ये डिस्टेंस x स्क्वायर है तो एफ क्यू बाई एक्स स्क्वायर ये हमारा फोर्स हो तो इस फोर्स की वैल्यू को इसके अंदर पुट करते हैं तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो W हो जाएगा इज इक्वल टू तो माइनस इंफिनिटी से R माइनस साइन एफ की जगह लिखते हैं के क्यू बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स ओके के क्यू बाई एक्स स्क्वायर अब देखो यहां से क्या करो के क्यू कॉन्स्टेंट है के तो कॉन्स्टेंट है चार्ज भी कॉन्स्टेंट है के क्यू को बाहर ले लो तो वर्क इक्वल टू जब के क्यू को बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर और माइनस के क्यू को बाहर ले लेते हैं वन बाई एक्स स्क्वायर को अंदर छोड़ देते हैं वन बाई एक्स स्क्वायर और ये माइनस इन्फिनिटी से सॉरी माइनस इन्फिनिटी नहीं ये तो इन्फिनिटी रखो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं तो इन्फिनिटी टू अब वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना तो ऊपर जाके अब इसे एक्स स्क्वायर का अपन इंटीग्रेशन साइड में कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स का पावर माइनस टू और इसको इंटीग्रेट अगर करते हैं इधर साइड में मैं रफ इंटीग्रेशन कर लेता हूँ साइड में अगर करें तो एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन कितना आ जाएगा माइनस एक्स का पावर माइनस वन बाई वन क्या लिख सकते हैं माइनस वन बाई एक्स ओके माइनस साइन को ऐसे माइनस वन बाई एक्स तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा माइनस वन बाई एक्स तो माइनस के क्यू और इसका इंटीग्रेशन माइनस वन बाई एक्स अगेन चाहो तो इस माइनस साइन को बाहर ले लो ओके okay? तो माइनस साइन को बाहर ले लेंगे ले तो ये माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा आई होप आप समझ पा रहे इसको तो अब ये वन बाई एक्स लिमिट क्या है इंफिनिटी टू आर के क्यू अपर लिमिट वन बाई आर माइनस वन बाई

पोटेंशियल जिसकी वैल्यू हो जाएगा है ना इस वर्क को ही v बोलेंगे v इज इक्वल टू के क्यू बाई तो ये तो रहा पहला डेरिवेशन इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन का तो एक बार आप स्क्रीन शॉट इसका ले लो तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन नेक्स्ट डेरिवेशन हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखिए अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल का कितना पोटेंशियल है ये करने वाले तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर हमने एक डाइपोल रखा है माइनस क्यू प्लस क्यू और दोनों के बीच डिस्टेंस टू है वर्क का हमला हुआ एफ डॉट एस तो जिस तरह से कोई बॉडी अगर सीधा चल रहा है तो वर्क का हमला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जब कोई बॉडी रोटेट करता है अच्छा पिछले चैप्टर के डेरिवेशन में हमने ये देखा था कि एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है रोटेट करता है तो टॉर्क लगता है जिसका फॉर्मुला हम लोग ड्राइव करे थे पीई साइंथीट तो जब बॉडी रोटेट कर रहा होता है वैसी स्थिति में वर्क का फॉमुला होता है टॉर्क इंटू डी थीटा ओके फोर्स के जगह टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट के जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं वर्क का इंटीग्रेशन तो वर्क हो जाएगा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू और सपोज इसको हमने थीटा वन से थीटा टू तक रोटेट किया है ना इस टाइपोल को थीटा वन से थीटा टू तक रोटेट किया है और टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा डी थीटा ओके तो टॉर् का फॉर्मूला ये होता है यहाँ पे चाहो सा, तो साइड में लिख सकते हो है ना पिछले चैप्टर में हमने करा है टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा ऐसा हमने करा है तो देखिए अब यहाँ पे पी ई बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा थीटा वन से थीटा टू तक साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन ओके okay? और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा तो पी ई इज इक्वल टू पी ई इंटू माइनस कॉस थीटा थीटा वन से लेके थीटा टू तक तो अपर लिमिट थीटा वन और लोअर लिमिट थीटा टू पुट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू ओके पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू तो यही वर्क जो है ना आप लिख सकते हो अगेन दिस वर्क विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी दिस वर्क विल स्टोर्ड विल स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी ओके तो एनसीईआरटी बुक में आप इ, 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 इसको यू से निकल सकते हो यू इक्वल टू पी कॉस कॉस्थिटा अच्छा एनसीईआरटी बुक में उसने पी कॉस कॉस्थिटा माना है है ना? तो उसने पी कॉस कॉस्थिटा माना है मतलब उसने कोई पार्टिकुलर एंगल को डिफाइन नहीं किया मतलब उसने बिना लिमिट एनसीआर टेक्सट बुक में आपको पी कॉस्थिटा दिखेगा तो उसमें है क्या उसने बिना लिमिट लिए थ्रीटा वन थ्रीटा टू का लिमिट लिए बिना उसने करा है इसलिए समझ गया ना तो ये हमारा रहा इलेक्ट्रीफिल तो बहुत छोटा डेरिवेशन है तो डाइपोल का अगेन मैं बता रहा हूं डाइपोल के हमने टोटल चार डेरिवेशन करे है ना तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक आखिर वाला डेरिवेशन इसमें करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल या डेरिवेशन कई बार पूछा जाता है तो इसको आप अच्छे से करेंगे अब हम लोग अगला डेरिवेशन करेंगे तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच के रिलेशन फाइंड करने तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जहाँ पे ए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल देते सपोज यहाँ से यहाँ एक चार्ज का मूवमेंट एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर कराते हैं तो जब भी एक चार्ज का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में करते हो तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगा इधर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना होगा क्यू इन टू ई ओके अच्छा एक चीज़ याद रखिए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है इट मीनस वॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में गए तो कौन सा है बी तो ए और बी में पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करूँ तो वी ए इज ग्रेटर देन वी वी ओके जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलोगे पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा तो वी ए इज ग्रेटर देन वी वी तो अब हमने निकालना है पहले तो वी ए पोटेंशियल ए टू बी तो कैसे निकालेंगे वी ए माइनस वी वी जो बड़ा वाला पोटेंशियल है उससे करेंगे अच्छा वी इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू बाई क्यू ओके इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है ये फॉर्मूला हमने पता है अब हम लोग वर्क का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस को एफ अब छोटा सा वकन डी डब्ल्यू है तो एफ डी आर कॉस एक सौ अस्सी डिग्री फॉर्मूला लिख देता हूँ एफ एस कॉस थीटा होता है ओके तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है डी आर कॉस थीटा की जगह एक सौ अस्सी क्यों रखा है क्योंकि फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है तो एंगल कितना है वन एट्टी डिग्री अपॉन डी डब्लू तो आ गया अब हम लोग यहाँ पे अगर वी ए एक पोटेंशियल एक बी की बात करें तो डब्लू बाई क्यू डब्लू के जगह हम लोग वो आर की जगह क्या लिखेंगे माइनस एफ डी आर अपॉन क्यू एफ की जगह देखिए फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है क्यू इंटू ई ई के बराबर तो वी ए बी हम लोग क्या लिखेंगे माइनस क्यू इंटू ई ई डी आर अपॉन क्यू ध्यान से देखो तो क्यू क्यू कट जाएगा वी ए बी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर तो ये तो आ गया अब इसको थोड़ा सा सिंपल लिखने के लिए हम लोग इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं डी वी चूँकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो पोटेंशियल भी छोटा होगा डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर और डी वी वाई माइनस डी वी वाई डी आर इक्वल टू ई तो दिस इज़ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डी वी वाई डी आर तो ये डेरिवेशन बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है बट एक नज़र याद रखिएगा क्योंकि कई बार आ चुके हैं छोटे क्वेश्चन में बट इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड जो पोटेंशियल ग्रेडियंट वगैरह होता है ना उस पर क्वेश्चन पहले भी कई बार एग्जाम में आ चुका है जहाँ डेल वी वाई डेल एक्स आई कैप एफ डेल वी वाई डेल वाई, वाई, वाई जे कैप एफ एन सी आर टी में भी है तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा वो इसी पे बेस्ड वो भी है समझ गए तो इसके बाद आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए अब हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं तो अब हम लोग पैरल प्लेट कैपेसिटर करते हैं तो पैरल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग को क्या करना है देखिए पहले तो दो पैरल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं पैरल प्लेट एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज ओके तो एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा बाई एप्स टू एफ्साले नोट ओके सिग्मा वाई टू एप्सोनोट ये हमने घोसला में पढ़ा था कि एक सीट के कारण दो इस तरह का प्लेन सीट हो एक तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिगमा वाई एप्सैनोट तो अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट यहाँ पे माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अंदर की तरफ और प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बाहर की तरफ तो माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिग्मा वाई टू एब्साइलेनोट प्लस के कारण भी सिग्मा वाई टू एप्सालाट देखिए दोनों इक्वल क्वांटिटी में और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करेगा एक दूसरे के इफेक्ट को जीरो कर देगा तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब ये दो प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो सिमिलरली उसी तरह इधर भी देखोगे तो माइन, माइनस वाला अपनी ओर खींचेगा प्लस वाला अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड रखेगा तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो यानी दो पैरल प्लेट कैपेसिटर है तो उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो अब अंदर किसी पॉइंट पे चलते हैं सपोज अंदर एक पॉइंट पे चलते हैं यहाँ पे प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस तो यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में तो हमने क्या करना होगा यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो सिग्मा बाई टू एफ साले नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एफ्सा नॉट क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो यही होगा सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा सिग्मा बाई एफसा नॉट तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा बाई टू एफ साल तो यहाँ पे सिग्मा बाई यहाँ पे इनसाइड की बात करें ई e इनसाइड, ये तो फॉर्मूला है इनसाइड e है अब अब है सिग्मा अब अब को पता पोटेंशियल रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड वी एंड ए कितना होता है अच्छा दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी मान लो है ना और प्लेट का एरिया ए मान लेते हैं ठीक है ना ये डी एंड ए एरिया है आप थोड़ा सा जब डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ एक आतलाइन ये लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज डी एंड एरिया इज ए तो वी इज इक्वल टू ई इंटू डी बोलेंगे हम लोग वी इक्वल टू ई इंटू डी क्यों क्योंकि दोनों के बीच डिस्प्लेसमेंट डी है ई e के जगह क्या लिख सकते हैं सिग्मा बाई एफ्सलॉट तो वी इक्वल टू सिगमा बाई एफसेलाट इन टू डी अब हम लोग को पता है कैपेसिटेंस C इक्वल टू कितना होता है Q बाई वी ओके कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू बाई वी तो C इक्वल टू क्यू के जगह क्या लिखे Q, V के जगह क्या लिखे सिग्मा ओके सिग्मा D, ओके okay. C इक्वल टू क्यू बाई वी तो V के जगह सिग्मा D और एफसेनाट ऊपर ओके अच्छा अब एक और चीज़ वी नो सिग्मा इज वाट सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू वाट क्यू बाई ए तो अब इस क्यू बाई ए को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो सी की वैल्यू कितना आ जाएगा देखिए मैं अगले स्टेप में करता हूँ सी इक्वल टू क्यू एफ नॉट अपॉन सिगमा की जगह क्यू बाई ए पुट करना है और ए ऊपर चला जाएगा तो कैपेसिटेंस इक्वल टू एफ नॉट बाई डी दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जहां ए क्या है एरिया ऑफ द प्लेट एफसैल तो आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। सो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ आया दो और डेरिवेशन है एनर्जी स्टोर इनपेसिटर ओके तो सेकेंड वन इज एनर्जी टोटल तीन डेरिवेशन है कैपेसिटर में और तीनों आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल एज वेल एज डेरिवेशन तो फॉर्मुला भी याद रखेंगे एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर है यह हम लोग करने वाले हैं तो देखिये यहां पर अब एनर्जी स्टोर का मतलब क्या होता है एनर्जी स्टोर और इन कैपेसिटर का मतलब है सीधा वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर इन चार्जिंग अ कैपेसिटर ठीक है ना तो यही वर्क टन जो चार्ज कैपेसिटर को चार्ज करने में होता है उसी को बोलते हैं एनर्जी स्टोर इना कैपेसिटर तो एक कैपेसिटर है सपोज इसके माइनस चार्ज यहाँ पे है प्लस चार्ज यहाँ पे है यहाँ से यहाँ ट्रांसफर जब होगा ठीक है ना तो ट्रांसफर होगा तो चार्ज होगा कैपेसिटर तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कैपेसिटर को चार्ज करने का फॉर्मूला देख लेते हैं तो वो अगेन वर्क टन कितना हो जाएगा वी इन टू डिग्री यहाँ से आया देखिए जैसे कि v इक्वल टू डब्लू बाई क्यू होता है तो यहाँ से अगर डी डब्ल्यू इक्वल टू वी डी क्यू क्योंकि यहाँ से छोटा छोटा चार्ज डी क्यू यहाँ पर स्टोर होता जाता है प्लेट पे, तो वी डी क्यू इसको क्या कर दें अपन इंटीग्रेट कर देते हैं ओके इंटीग्रेट कर देंगे तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू बाई वी तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू बाई सी ओके कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू बाई सी तो वी इक्वल टू क्यू बाई सी यहाँ पुट करिए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो डब्लू हो जाएगा ओके और वी क्या हो जाएगा क्यू बाई सी क्यू बाई सी डी क्यू तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाई सी बाहर आ जाएगा और q का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल q ही ले लो कोई दिक्कत नहीं है क्यू स्क्वायर बाई टू क्यू स्क्वायर बाई टू तो यही वर्क जो है ना कैपेसिटर के एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा तो यहाँ पे क्या बोलेंगे एनर्जी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी तो दिस इज द एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर अब चाहो तो इस फॉर्मूले को तीन तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ठीक है ना जिस तरह से Q इक्वल टू सी इंटू वी होता है तो फॉर्मूला एनर्जी का क्या है Q स्क्वायर बाई टू सी हमने अभी ये भी करा है Q स्क्वायर बाई टू सी तो Q के जगह आप सी वी पुट करो तो क्या आ जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अब ये तो पता ही है क्यू इक्वल टू सी इंटू वी सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू सी एक्सी एक सी कट जाएगा एनर्जी इक्वल टू तो क्या आ जाएगा सी वी स्क्वायर बाई टू ठीक है तो ये तो रहा एनर्जी सी वी स्क्वायर बाई एक और आ जाता है आप सी के जगह अगर क्यू बाई वी पुट कर दो ओरिजिनल फॉर्मूला में तो देखो एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी है ओके तो यहाँ देखो क्यू स्क्वायर टू क्यू बाई वी तो एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा एनर्जी इक्वल टू क्यू वी बाई टू तो अब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला सब एक ही चीज़ है कुछ अलग से कोई भी नहीं है ना आप ये अगर कर लिए तो ये सब तो सी इक्वल टू क्यू वी क्यू इक्वल टू सी वी के आप रिप्लेस करके कर सकते हो तो जैसा डाटा होगा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप तीनों में से उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला आप लगाइएगा तो ये तीनों कोई खास नहीं है अगर आपको ये पता है तो ये आप आराम से वैल्यू को इवेल्युएट करके आप निकाल सकते हो तो ये तो रहा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का डेरीवेशन अब हम लोग लास्ट डेरिवेशन करेंगे तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अब हम लोग थर्ड और आखिर डेरिवेशन करेंगे इस चैप्टर का जो कि ऐसा होगा जहाँ पे हम एक कैपेसिटर के अंदर ये कैपेसिटर है जहाँ पे इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ओके दोनों प्लेट्स का चार्ज डेंसिटी सिग्मा है हम इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे अब डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट यह है कि डाइलेक्ट्रिक क्या करता है एक चार्ज की डेंसिटी को बदलेगा जैसे सपोज इस पर अगर कुछ प्लस चार्जेज है और इस पर माइनस चार्जेज है तो अगर ये डायलैक्ट्रिक के अंदर ये क्या करेगा ये ये क्या करेगा डायलेक्ट्रिक के माइनस चार्ज को अपनी ओर खींचेगा और ऐसे में क्या होगा कैपेसिटर के प्लेट का कुछ चार्जेज न्यूट्रलाइज होना शुरू होगा उसी तरह इधर प्लस खींचेगा और कैपेसिटर का कुछ चार्जेज न्यूट्रलाइज होना शुरू होगा तो न्यूट्रलाइज होगा तो ये जो चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा माना था ये चार्ज डेंसिटी बदलेगा क्यों क्योंकि डाइलेक्ट्रिक को पुट करने पे अब ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा यहाँ पे एक लाइन हम लोग लिखेंगे आफ्टर पुटिंग द डाइलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी विल गेट चेंज ओके गे? तो चार्ज डेंसिटी यहाँ क्या होगा चेंज होगा चार्ज डेंसिटी विल बी चेंज कितना होगा तो अब सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड अब डायलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो तो ये जो चार्ज डेंसिटी होता है उसको इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं इंड्यूस्ड ओके ना इंड्यूस का तो यहां पे अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू के सिग्मा माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड क्योंकि ओरिजिनल तो सिग्मा था और इसने जो इंड्यूस किया चार्ज डेंसिटी उसकी वजह से जो सिग्मा था वो घट के अब क्या हो गया सिग्मा माइनस सिग्मा ए तो सिग्मा बाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा आई अब देखो हमें बी की वैल्यू पता है पोटेंशियल वी इक्वल टू ई डॉ तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए V इक्वल कितना होता है सिग्मा बाई नॉट एक प्लेट है प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फिल क्या होता है सिग्मा बाई टू एपलेनोट सॉरी बाई टू एबी इज इक्वल टू सिमा माइनसिग्मा इंड्यूस्ड बाई टू एफ एल नॉट इन टू डी जहां डी क्या है डी इज ये डिस्टेंस को डी बोलेंगे ओके अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यहाँ कि सिग्मा था तो सिग्मा तो अब रहा नहीं चूंकि डायरेक्टिक पुट करने पे अब चार डेंसिटी क्या हो गया सिग्मा माइनस सिग्मा आई अब सिग्मा माइनस सिग्मा आई के जगह सिग्मा वाई के पुट कर सकते हैं वी इक्वल टू तो सिग्मा वाई के क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ पे सिग्मा वाई के सिग्मा डी बाई के टू एफ साल नॉट तो ये तो रहा वी की वैल्यू अब हमको कैपेसिटेंस चाहिए कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू कितना होता है क्यू बाई वी तो सी इक्वल टू क्यू वी की जगह हम लोग क्या पुट कर सिग्मा डी और ये टू के एफसलोट चला जाएगा कैलकुलेट करोगे तो ऊपर टू के एफसे नोट सिग्मा भी क्या होता है चार्ज डेंसिटी क्यू सिग्मा इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई ए चार्ज पर यूनिट एरिया तो देखो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू टू के एफ नॉट अपॉन क्यू एरिया ऊपर भेज दो डी क्यू से क्यू टच कट जाएगा सी इक्वल टू टू के ए सेल नॉट बाई डी सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ओके तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ सॉरी एक चीज़ हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे एरर किया है ये टू नहीं होगा ये टू ना यहाँ से हटाते हैं हम लोग ठीक है क्यों हटाते हैं मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या है ना एक एक सीट के कारण सिग्मा बाई टू एफ होता है ध्यान रखें एक सीट के कारण सिग्मा बाई टू एफ होता है जस्ट हमने पीछे वाले डेरिवेशन में क्या करा है बाहर जीरो बाहर जीरो अंदर सिग्मा बाई टू एफ प्लस सिग्मा बाई टू एफ सेलनोट मिलकर क्या हो गया था अंदर की कैपेसिटर के जस्ट अभी पीछे वाले डेरिवेशन में आप देखना हमने ई इनसाइड क्या करा था सिग्मा बाई एफ्स एलोनॉट तो हम लोग ये जो कर रहे थे थोड़ा सा यहाँ पे एरर है है ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा है ना ये गलती से यहाँ पे लिखा गया था तो ये सिग्मा बाई एब्सेंट होगा जस्ट इसके पीछे वाले डेरिवेशन में हमने निकाला है बाहर जीरो बाहर जीरो अंदर सिग्मा बाई एब्सरेंट और एक सिंगल सीट के कारण सिग्मा बाई टू एब्सरेंट होता है तो के ए नॉट बाई डी तो ये हमारा फॉर्मूला जहाँ जहाँ रहेगा कहाँ जहाँ की क्या है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ए एरिया ऑफ द प्लेट डी इज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स सो दिस इज ऑल ओवर फ्रॉम चैप्टर टू जल्दी ही चैप्टर थ्री का लेके आऊँगा तो आप तब तक, तक इसको कंप्लीट करिए है ना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाकी आगे और भी इस तरह के वीडियोज़ में पूरा कंप्लीट लेके आऊँगा ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग